वर्षा जल संग्रह के अभाव में यहाँ के किसान शेष महीनों में फसलों की सिंचाई के लिए तरसते रहते हैं। समस्या का निदान जल संग्रह और प्रबंध की उचित तकनीकें अपनाने में है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रह की बड़ी संरचनाओं का निर्माण व्यवहारिक नहीं है, साथ ही जल प्रबंध में ग्राम वासियों की सामुदायिक भागीदारी भी अनिवार्य है। संपूर्ण जलागम क्षेत्र के किसानों के ज्ञान और कौशल का लाभ उठाते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना संभव है। विकास के इन्हीं लक्ष्यों को सामने रखते हुए देहरादून स्थित केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ने सामूहिक भागीदारी से जल प्रबंध का बीड़ा उठाया। इसे बल मिला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना से, जिसने जल प्रबंध की तकनीकों को गांवों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराए। संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से जल प्रबंध की गंगा गांवों तक बहाने का संकल्प लिया गया। सैंजी जल समेत क्षेत्र में उपसतही जल प्रवाह को संचित करने के लिए 80,000 लीटर क्षमता के एक जलाशय का निर्माण किया गया। इस पर 1,70,000 रुपए की लागत आई, जिसमें 22,800 रुपए का अंशदान ग्राम वासियों द्वारा किया गया। इस जलाशय में संचित जल को गूलों के माध्यम से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पहुंचाया जा सकता है। इस क्षेत्र में सतही जल के साथ गाद और अपवाह को रोकने के लिए 28 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3,100 खाइयां और 775 गड्ढे खोदे गए। किसानों के सहयोग से बहुउद्देशीय वृक्षों की लगभग 2,900 पौध का रोपण किया गया। भूस्खलन को रोकने के लिए गैबियन संरचनाओं का निर्माण किया गया। सुअर, मुर्गी तथा मछली पालन और सब्जी उत्पादन की एकीकृत तकनीक संस्थान द्वारा इस जल समेत क्षेत्र में प्रदर्शित की जा रही है। किसानों को फसलों की उन्नत उच्च प्रजातियों के बीज आवंटित किए गए, जिससे उनकी फसल में अपेक्षित वृद्धि हुई।